नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से दिल से स्वागत है व्हाट्स कुकिंग विद शजी। आप लोगों ने पहले वीडियो में मुझे बहुत दिल खोल के मोटिवेट किया है। उम्मीद करती हूँ आपका प्यार और आशीर्वाद इसी तरीके से बना रहेगा। आज मैं शची गर्ग से व्रत चल रहे हैं नवरात्रों के इस अवसर पे बहुत ही हेल्दी डिश लेके आई हूँ, सिंगाड़ों की। सिंगाड़े बहुत हेल्दी होते हैं, बहुत फाइबर होता है और बहुत ज़्यादा उसमें प्रोटीन और मैग्नीशियम होता है एंड टू गुड फॉर हेल्थ। व्रत का मतलब आधे लोगों के लिए होता है घी तेल से तली हुई पकौड़िया और बहुत सारा मीठा। तो इस मिथ को तोड़ते हुए हम आज आपके लिए बहुत ही हेल्दी बहुत ही टेस्टी सिंगाड़े की सब्जी लेकर आए हैं, जिसे आप स्नैक्स के रूप में भी खा सकते हो और एज अ सब्जी भी खा सकते हो और बिना व्रत के भी खा सकते हो। बहुत ही यूनिक है, बहुत ही यूनिक तरीके से बनाई है। करना क्या है, इसे देखना है, बनाना है, कमेंट सेक्शन में बताना है कि कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन आएगा उसे प्रेस कीजिएगा, जिससे जब जब हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपके फोन की घंटी बजे और हमारा बार बार मिल सके। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप लोगों का भरपूर प्यार मिलेगा, आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, हम आपको ले चलते हैं रसोई की ओर और बनाते हैं हेल्दी टेस्टी सात्विक व्रत के सिंगाड़े। अब आज हम बना रहे हैं व्रत के सिंगाड़े। सिंगाड़े बहुत हेल्दी होते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन और कैल्शियम होता है और व्रत में हर कोई आराम से इन्हें खा सकता है। तो हमने एक चम्मच तेल लिया और उसमें हमने एक चम्मच साबुत जीरा तड़कने दिया। ज़्यादा कुछ नहीं करना, बहुत आसान और बहुत टेस्टी रेसिपी है और बहुत हेल्दी भी। व्रत में हमेशा घी तेल का क्यों खाएं? व्रत का माना जाता है कि पकौड़ी खा ली, कपूड़ी खा ली, कचौड़ी खा ली, जी नहीं, हम व्रत को हेल्दी बना के दिखाते हैं आपके लिए। जीरा तड़क गया है, खूब लाल हो गया। अब इसमें हमने ये हरी मिर्च डाल दी, ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो डालो चाहो तो मत डालो। इसे हमने कुछ सेकंड्स के लिए भून लिया और इसमें हमने ये एक किलो धुले हुए कटे हुए सिंगाड़े डाल दिए। कोशिश कीजिए सिंगाड़े हरे वाले लीजिए, वो कच्चे और मीठे होते हैं और खाने में बहुत अधिक स्वादिष्ट होते हैं। तो अब इसको हम अच्छे से मिक्स करके ढक के 5 से 6 मिनट के लिए गलने रख देंगे। अब हमारे ये हल्के हल्के गलने लगे हैं, करीब 2 मिनट हो चुका है। अब हम इसमें क्या करेंगे, स्वाद अनुसार, जी हाँ स्वाद अनुसार सेंधा नमक, इसे हम रॉक सॉल्ट भी कहते हैं, वो डालेंगे। क्योंकि व्रत का खाना बन रहा है तो व्रत का खाना तो सेंधा नमक से ही बनता है। अगर आपके यहाँ व्रत में लाल मिर्च खाई जाती है तो आप इसमें लाल मिर्च डाल सकते हैं, हमारे यहाँ नहीं खाई जाती तो हम नहीं डाल रहे हैं। और इसको अब हम ढक के फिर से 2 मिनट के लिए पकाएंगे और फिर आगे का प्रोसेस करेंगे। अब देखिए हमारे सिंगाड़े गल गए, इसमें हल्की सी हमने काली मिर्च डाली और हम इसमें डालेंगे धनिया और एक कटोरी, ये हमारा ट्विस्ट है, ये भुनी हुई मूंगफली का चूरा है, ये डालेंगे। ये बहुत हेल्दी भी होगा और बहुत टेस्टी भी होगा। और साथ में डालेंगे 1/2 चम्मच नींबू का रस। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और हमारी व्रत के लिए हेल्दी टेस्टी सिंगाड़े की सब्जी या स्नैक्स रेडी है, जिसे खाइए खिलाइए और अपने घर की मास्टर शेफ बनिए। ये हमारी यमी टेस्टी सी व्रत के लिए स्पेशल, व्रत में क्या, कभी भी बनाइए कभी भी खाइए सिंगाड़े की सब्जी, ये बहुत हेल्दी है बहुत टेस्टी है।
अब बस आपको क्या करना है, इसे बनाना है, अपना रिव्यू कमेंट सेक्शन में रखना है, इसे अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, और मुझे आपके मोटिवेशन की बहुत जरूरत है। तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ इन व्हाट्स कुकिंग विद शेची। तब तक के लिए नमस्कार।